अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक तस्वीर में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी वायनाड से अपना नामांकन भर रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में वायनाड सीट से ही सीपीआई की प्रत्याशी एनी राजा अपना नामांकन भर रही हैं। लेकिन खबर ये नहीं है कि दोनों ने नामांकन भरा, बल्कि खबर ये है कि दोनों ही मोदी के खिलाफ बनाए विपक्ष के इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। लेकिन एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद भी कोई एनी राजा को बीजेपी की बी टीम नहीं कह रहा, ना ही कोई राहुल गांधी को बीजेपी की टीम कह रहा, जबकि बीएसपी को अकेले चुनाव लड़ने के कारण बार बार बीजेपी की बी टीम कहकर बदनाम किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी की बी टीम है कौन? क्या अलग चुनाव लड़ने की वजह से ही कोई बीजेपी की बी टीम हो जाता है? तो फिर सीपीआई को बीजेपी की बी टीम क्यों नहीं कहा जा रहा, जिसने खुद राहुल गांधी के खिलाफ ही अपना कैंडिडेट उतार दिया है? अगर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का मतलब बीजेपी को फायदा पहुंचाना है, तो फिर ममता बनर्जी को बीजेपी की बी टीम क्यों नहीं कहा जा रहा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की 40 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं। ममता बनर्जी की पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेने के मामले में कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया और करीब 1400 करोड़ रुपए का चंदा लिया, जबकि बीएसपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से एक रुपया भी चंदा नहीं मिला। लेकिन दौलत की बेटी मायावती को कह दिया जाता है, जबकि ममता बनर्जी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं होते। हम ये तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग बीएसपी अध्यक्ष मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले को गलत मान रहे हैं और बार बार ये पूछ रहे हैं कि बहन जी इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हुई। उन्हें मोदी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन वाकई में मोदी को हराने के लिए सीरियस है? क्या मोदी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आ रहा है? टीएमसी से लेकर सीपीआई, सीपीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तक अपने अपने इलाकों में अलग अलग कैंडिडेट उतार रही है, जबकि सब इंडिया गठबंधन की डफली बजा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सब करते हुए भी, ये सब दिखाते हुए भी इन्हें कोई बीजेपी की बी टीम नहीं कह रहा। कोई इनसे ये नहीं पूछ रहा कि जब आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ोगे तो फायदा किसको होगा? क्या आपके अलग अलग चुनाव लड़ने से वोटों का बंटवारा नहीं होगा? क्या आप एक दूसरे को वोट नहीं काटोगे? क्या आप एक दूसरे को हराकर विरोधी पार्टी को जिताने का काम नहीं करोगे? ऐसा कोई सवाल इन पार्टियों से नहीं पूछा जा रहा, जबकि ये तमाम सवाल बहुजन पार्टियों के नेताओं से न सिर्फ पूछे जा रहे हैं, बल्कि उन्हें कटघरे में भी खड़ा कर दिया जा रहा है। इंडिया गठबंधन ने दलित समाज के प्रतिनिधित्व के लिए वंचित वर्ग की पार्टियों को अपने साथ जोड़ने के लिए क्या किया? जवाब है कुछ नहीं। इन्होंने गंभीरता से कोई प्रयास नहीं किया, चाहे यूपी में बसपा अध्यक्ष मायावती हों या फिर महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर। दलित नेताओं को ना साथ जोड़ने की गंभीर कोशिश हुई और ना वो कोशिश दिखाई दी। शायद इन्हें लग रहा था कि वे पार्टियां खुद ही लाचार होकर इनके पास आ जाएंगी, लेकिन जब इन पार्टियों ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया तो उन्हें इस बात के लिए शेम किया जा रहा है कि वो इनडायरेक्टली मोदी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अरे भाई, फिर आप क्यों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो? आप भी तो एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट दे रहे हो। आप क्यों एक दूसरे की जड़ काट रहे हो? क्यों राज्यों में एक दूसरे की विरोधी पार्टियां आपस में सिर्फ उठावल कर रही हैं? पहले तो आप अपने दलित बहुजन नेताओं को मान सम्मान नहीं देते, उन्होंने मान सम्मान नहीं दिया, और जब वो अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं तो आप उन्हें उसके लिए शेम कर रहे हैं। ये दोगलापन नहीं तो और क्या है? कोई भी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी तो और क्या करेगी? पार्टी बनाई इसलिए जाती है कि वो चुनाव लड़े, तो ऐसे में जब आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है तो फिर वंचित वर्गों की पार्टियां चुनाव लड़ने से आपको उसमें परहेज क्या है? क्या दिक्कत है कि वो चुनाव लड़ रही हैं? शास्त्रों में इसे ही दोगलापन कहा गया है, जो आपके अंदर के जातीय दम में लिपट कर अब बाहर आ रहा है। चुनाव में दलित बहुजन समाज के वोट तो सबको चाहिए, लेकिन दलित बहुजनों की लीडरशिप उन्हें मंजूर नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है कि द न्यूज़ बीट की चुनाव यात्रा को सपोर्ट करें। वीडियो के अंत में आपसे एक जरूरी अपील। देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और जनता नई सरकार चुनने जा रही है, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के मसले कहाँ हैं? क्या चुनाव में हाशिए के समाज की जरूरतों पर कोई ध्यान दे रहा है? क्या दलितों पर जातिवाद के कारण होने वाले जुल्म चुनावी मुद्दा बन पा रहे हैं? क्या आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की लूट को रोकने के लिए कोई चुनावी वादा किया जा रहा है? क्या पिछड़े समाज की अखमारी के खिलाफ चुनाव में कोई बोल रहा है? क्या वंचित समाज के मुद्दे और चुनाव में उनकी अहमियत के बारे में कोई जिक्र हो रहा है? द न्यूज़ वीक लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी चुनाव यात्रा शुरू कर रहा है। हर बार की तरह हम आपको ग्राउंड जीरो से वंचित समाज की सच्ची आवाज सुनाएंगे। हम आपको ले चलेंगे दूर दराज के गांव और कस्बों में,
जहां मनु मीडिया के पत्रकार कभी नहीं जाते और सुनाएंगे उन लोगों की आवाज जो सालों से चीख तो रही है लेकिन उन्हें कोई सुन नहीं रहा। स्टूडियो में बैठे एंकर का पक्षपाती एजेंडा नहीं बल्कि सुनिए सीधे जनता के मन की बात। लेकिन इसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। आपको हमारी चुनाव यात्रा का खर्चा निकालने के लिए कुछ आर्थिक मदद करनी होगी। हमारे पास कोई विज्ञापन नहीं है और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई फंडिंग होती है, इसलिए हम जनता के खर्चे पर ही जनता के हित की बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि आप द न्यूज वीक की लोकसभा चुनाव यात्रा 2024 को सपोर्ट करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और सीधे द न्यूज वीक के खाते में अपनी मदद भेजें। अगर ये QR कोड काम ना करे तो आप इस दूसरे QR कोड को स्कैन करके भी अपनी मदद हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के जरिए 8595794224 पर भी अपनी मदद हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप UPI इस्तेमाल करते हैं तो newsweek@yesbank पर UPI के जरिए भी दान की राशि भेज सकते हैं। साथ ही आप सीधे बैंक अकाउंट में भी हमें मदद भेज सकते हैं। अकाउंट होल्डर का नाम है न्यूज़वीक फाउंडेशन। अकाउंट नंबर है 02358700000640। IFSC कोड है SB000235। बैंक का नाम है यस बैंक, ब्रांच नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप हमें जो दान देंगे उसके बदले में आप इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। 12A और 80G के तहत टैक्स रिबेट पाने के लिए आप अपनी ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट 8595794224 पर हमें व्हाट्सएप करें। दोस्तों, चुनाव में वंचित वर्गों की आवाज को मजबूत करने के लिए आपको हमारी मदद करनी होगी और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारी ग्राउंड रिपोर्ट से आपको निराशा नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय भीम।